एक बड़ी खबर सीवान से। सीवान के मैरवा के युवक की दोहा कत्तर में हुई मौत। परिजनों ने शव लाने को लेकर प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, इसकी प्रतिलिपि विदेश मंत्री व बिहार के मुख्यमंत्री को भी भेजी। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मैरवा के एक युवक की मौत 13 अप्रैल को दोहा कत्तर में हो गई। मृतक मैरवा के लंगड़पुरा गांव का पंकज तिवारी बताया जाता है। मृतक की पत्नी माधुरी देवी ने अपने पति के शव को लाने के लिए प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री के साथ मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है। उसने रोते बिलखते हुए बताया कि मेरे पति पंकज तिवारी परिवार की आर्थिक स्थिति के त्रस्त होकर विदेश में दोहा कत्तर की एक कंपनी मैट्रिक्स ट्रेंडिंग एंड कंस्ट्रक्शन में मजदूरी के लिए सितंबर 2018 में गए थे। मैरवा के लंगड़पुरा गांव के युवक की मौत दोहा कत्तर में हो जाने के बाद पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। यही नहीं, उनकी तीन बेटियां अब परवरिश के लिए दूसरे पर निर्भर करेंगी, इसकी चिंता और भी बढ़ गई है। मृतक की पत्नी माधुरी देवी ने पीएम से बेटियों के परवरिश के लिए सहायता की गुहार लगाई है और शव को लाने के इंतजाम के लिए उनसे गुहार की है। मेरे पति दोहा कत्तर में रहते थे, एक्सपायर कर 12 तारीख को रात में 13 को हमको पता चला है, उधर फोन आया है उधर से। हम लोग यहाँ अपने रोने लगे। अब यही हमको प्रशासन से है कि हमको लाश चाहिए कि हम लोग अपना यहाँ जो करना है उनका कार्यक्रम करते हैं। आपका नाम? माधुरी तिवारी। भाई दोहा कत्तर में रहते थे दो साल से, वही काम हम करते थे। 12 तारीख को रात में उनका 3 बजे भोर में तबीयत खराब हुआ, उससे हार्ट अटैक हो गया। 13 को सुबह हमसे वहीं के सहयोगी लोग से मिला कि ऐसा ऐसा बात है, घर में मातम छा गया, हम वही लाश के लिए इंतजार में हैं। कंपनी वाले से बात नहीं हो पा रही है, पर वहाँ के वर्कर हैं तो रोज बात हो रहा है, रोज आश्वासन दे रहे हैं कि इस तारीख को जाएगा, इस तारीख को जाएगा। अभी तो फिलहाल बात रोज 2-3 दिन तक हो रहा है, 31 तारीख तक बोले हैं कि आ जाएगा। अभी से प्रशासन से आग्रह है कि जल्द से जल्द लाश आ जाए। आपका नाम? मैं उनका भाई, छोटा भाई प्रदीप।